तो भाई लोग फाइनली थालापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म का लियो का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है, क्योंकि शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पे रिलीज किया गया। लेकिन उसके बाद वो तो छोड़ो भाई, तमिल तेलुगू और कन्नड़ में ही रिलीज किया गया, हिंदी में ट्रेलर आया ही नहीं है। फिर पता चला कि भाई 7 बजे ट्रेलर आएगा हिंदी का गोल्ड माइंस चैनल पे, क्योंकि चैनल हटी के साउथ लगा। फिर पता चला कि भाई 7 बजे नहीं 9 बजे ट्रेलर रिलीज हो रहा है। भाई क्या ही फर्क पड़ता है, 6 बजे करो 9 बजे करो, पब्लिक तो वही है ना देखने वाली। लेकिन भाई हिंदी में कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने सोचा इतना कौन रहा देखेगा, ठीक है इतना टाइम वेस्ट क्यों करो। सीधा तमिल और तेलुगू ट्रेलर जो है रिलीज किया, उसको देखिए देख लेंगे भाई क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने देखा, मुझे पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड था और मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन भाई कमाल है, ठीक है। मुझे सीधों पर थी ऑन द रोड भाई, जो जो सीन्स, जो ब्लडी सीन्स, एकदम बैड एस वाले सीन्स एक से एक दिख रहे, जो कि भाई पर्सनली मुझे बहुत ही मतलब भाई लग ही नहीं रहा था कि ये किसी नॉर्मल फिल्म का ट्रेलर है, जो कि भाई ऐसा होता है इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है, ठीक है। हॉलीवुड जैसी वाइब्स आ रही थी, जो कि ब्लडी सीन्स, जो भाई वॉयलेंस और खून खराबा फिल्म में चल रहा था। और देखो अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी से मतलब ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि देखो पार्थी यानी कि जो विजय थालापति विजय है, ठीक है, उनको भाई जो एक देखो वो जो हमने इसका ग्लिम्स देखा था, जब लियो दास का जब ग्लिम्स आया था तो उसे देख के आपने देखा ही होगा, जो कि चॉकलेट फैक्ट्री चलाते हैं। तो भाई वो चॉकलेट फैक्ट्री चलाते हैं तो वो जो कश्मीर के एक छोटे से गाँव में रह रहे हैं पार्थी जो बन रहा है थालापति विजय, ठीक है। तो भाई ऐसा होगा कि भाई जो दो गुंडे हैं, जो उस एरिया के जो सबसे बड़े गुंडे हैं, एंटनी दास और हरलोट दास, एंटनी दास यानी कि संजय दत्त और हरलोट दास यानी कि जो अर्जुन सूर्य, ठीक है, तो वो दो बहुत ही बड़े गुंडे हैं उधर के। और वो ऐसा भी हुआ होगा कि भाई अचानक से कोई बहुत ही बड़ी सिचुएशन आई होगी, कुछ पंगा वंगा हुआ होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप देख लेना और फिर उसमें आगे क्या ही होगा फिल्म में देखने को पता चली जाएगा, ज़्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे ज़्यादा पता नहीं चला फिल्म की स्टोरी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो एंटनी दास और जो है, ठीक है, एंटनी दास का भाई, ठीक है, वो जो हरलोट दास है, वो दोनों भाई तो है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता लियो दास यानी कि जो थालापति विजय है वो भी उनके भाई निकले। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो तीनों की सरनेम सेम है, और मैं थोड़ा गूगल कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पता ये दोनों भाई है जो कि गैंगस्टर हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा है जो मतलब अच्छी तरह से रह रहा है वो गाँव में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर तीनों की दोनों के बीच में दरार हो चुकी होगी, वो दो और ये एक लोग हो गए होंगे, फिर कुछ हुआ होगा और वगैरह वगैरह ऐसे वो होगा। बाकी तो भाई ट्रेलर में इसका जो BGM, इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस एक से एक BGM, तो भाई सैल्यूट टू अनिरुद्ध भाई, भाई कमाल है भाई ये बंदा, मतलब एक से एक BGM इतनी, जब तक देखो इस बंदे ने जितने भी फिल्म दिया ना सब सुपर हिट गई, जवान, विक्रम और बहुत सारी है, आप गिनने से तो कितनी सारी हो जाएंगी। और इसके डायरेक्टर मुकेश कनकराज भाई, ये बंदा सैल्यूट टू हिम। और पर्सनली मैं तो बोलना चाहूँगा भाई आप ये क्राउन भूल गए हो, ठीक है, यू डिजर्व दिस भाई। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया भाई उनका ये जो ट्रेलर, जो और जिसने भी एडिट किया है भाई, एक से एक एक्शन सीक्वेंसेस, लेकिन एक दो जगह पे मुझे लगा कि VFX की गड़बड़ी है, लेकिन ठीक है चलेगा इतना लोग कहाँ पर लगा, ठीक है। जहाँ पे वो जो वुल्फ वाली जो फाइटिंग सीक्वेंसेस देख रहे थे वहाँ पर मुझे लगा कि वुल्फ का थोड़ा लग रहा है, लेकिन ठीक है चलेगा कोई बात नहीं भाई, इतना तो अभी इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। अब सब चीज़ें तो परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, लेकिन आदिपुरुष से अच्छा VFX, ठीक है, इतना ही बुरा नहीं था, आदिपुरुष से तो अच्छा ही था, ठीक है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई लोकेश कनकराज ने थोड़े महीनों पहले क्या पता इंटरव्यू में ऐसा कहा था, अब ये कन्फर्मेशन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंटरव्यू भी मतलब ये फेक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि भाई इस फिल्म में हमें सूर्या का कैमियो और फहद फासिल का देखने को मिल सकता है, या फिर सूर्या या फिर देखो काई थी जो एक्टर थे उनका भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ कन्फर्मेशन आएगा तो आपको जल्द ज़रूर बताऊँगा। बाकी जो आपको कैसा लगा ये ट्रेलर मुझे ज़्यादा कमेंट्स में ज़रूर बता दे जाना। मिलते हैं, बाय।